अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। रश्मि का किचन में आप सबका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी आटे का क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी शवरमा की रेसिपी। तो बिना किसी देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का रेसिपी। मैंने यहाँ पे एक कांच का बोल लिया है और इसमें मैं अभी 1.5 कप आटा डाल दूंगी। मैं यहाँ पे 4 शवारमा बनाऊंगी तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 1.5 कप आटा लिया है। तो अभी मैं इसमें नमक 3 चुटकी डाल दूंगी और अच्छे से आटा और नमक को मिक्स कर लूंगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 चम्मच तेल लिया है तो मैं ये तेल को भी आटे में डाल दूंगी और अच्छे से आटा और तेल को मिक्स कर लूंगी। तो अभी मैंने तेल के साथ अच्छे से आटे को मिक्स कर लिया है और अभी मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी और अच्छे से आटे को गूंद लूंगी। और मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालूंगी क्योंकि ज़्यादा डालूंगी तो ये ज़्यादा नरम हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे एक अच्छा सॉफ्ट और थोड़ा टाइट आटा चाहिए तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के इसको अच्छे से गूंद के एक अच्छा सा डो बना लूँगी आटे का। तो यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये आटे का शवरमा खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है ये सेहत के लिए। तो मैंने अभी यहाँ पे अच्छे से आटे को गूंद लिया है और अभी मैं आटे को एक ढक्कन से आधे घंटे के लिए ढक के रख दूंगी और दूसरी तरफ मैं स्टफिंग को रेडी कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने गोभी लिया है जिसको मैंने बारीक काट लिया है। यहाँ पर मैंने 50 ग्राम खीरा लिया जिसको मैंने कद्दूकस करके लिया है। यहाँ पे मैंने गाजर 50 ग्राम लिया है और इसको भी कद्दूकस कर लिया है। यहाँ पे मैंने बड़ा 2 चम्मच मेयोनीज लिया है। यहाँ पे मैंने बड़ा 2 चम्मच काजू और आलमंड का पेस्ट लिया है। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच टमाटर का सॉस लिया है। तो अभी मैं इस बाउल में गोभी और खीरे कद्दूकस किया खीरा और गाजर को डाल दूंगी। ये शवारमा का रेसिपी रमादान के महीनों में आप इफ्तारी में इसको खा के इसको इंजॉय कर सकते हैं और नॉर्मल दिनों पे आप सुबह के नाश्ते में इसको बना के भी खा के इसको इंजॉय कर सकते हैं। तो अभी मैंने तीनों को बाउल में डाल लिया है और अभी मैं इसमें 2 चम्मच मेयोनीज भर के डाल दूंगी और बाकी का जो मेयोनीज है वो मैं बाद में रोटी में लगाने के लिए रख दूंगी। और अभी मैं काजू और आलमंड का पेस्ट 2 चम्मच डाल दूंगी और इसका भी बाकी का जो पेस्ट रह जाएगा उसको रख दूंगी रोटी में लगाने के लिए। और अभी मैं यहाँ पे टमाटर सॉस को 1 चम्मच और 1/2 चम्मच डाल दूंगी और बाकी का रख दूंगी रोटी में लगाने के लिए। तो अभी मैं इसमें 3 चुटकी नमक डाल दूंगी और अच्छे से इसको चम्मच से मिक्स कर लूंगी। तो अभी मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और मैं अभी आटे को देख लूंगी। तो यहाँ पर मैंने 1/2 घंटा ढक्कन से ढक के रखा था आटे को और अभी मैं इसको और थोड़ा गूंद लूंगी और गूंद के अच्छे से इसको एक सॉफ्ट डो बना लूंगी। तो अभी मैंने रोटी को गूंद लिया है और अभी मैं इसका 4 लुई बना लूंगी। तो मैंने यहाँ पर रोटी के खाट को ले लिया है और अभी मैं एक एक करके 4 लुई को बना लूंगी। तो मैं यहाँ पर शवारमा बनाने के लिए आटे का लुई बड़ा कर लूंगी। आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा साइज का लुई ले सकते हैं शवारमा बनाने के लिए। तो अभी मैंने आटे का 4 लुई बना लिया है और अभी मैं एक प्लेट में 4 लुई को रख दूंगी और एक एक करके 4 को मैं बेल लूंगी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा आटे को छिड़कूंगी और एक
लुई लेके इसको मैं बेल लूँगी। तो मैंने यहाँ पर शवारमा बनाने के लिए बड़ा करकर लुई लिया है और अभी मैं इस लुई को बेल के एक बड़ा रोटी बना लूँगी। तो मैंने यहाँ पर रोटी को बड़ा करकर बेल लिया है और अभी मैं इस रोटी को की तरह बाकी तीनों लुई को भी बेल लूँगी बड़ा करके। तो अभी मैंने चारों रोटियों को बड़ा करकर बेल लिया है और अभी मैं चारों रोटियों को एक एक करके तवे में सेक लूँगी। तो अभी मैंने गैस पर एक तवा बिठा दिया है, उसमें मैं रोटी को डाल दूँगी और रोटी को दोनों साइड से अच्छे से थोड़ा सेक लूँगी। जब रोटी दोनों साइड से थोड़ा सेक जाए तो तब मैं इसमें ब्रश की मदद से थोड़ा तेल लगा दूँगी और दूसरी साइड का पलट के फिर से ब्रश में तेल लगा के उसमें लगा दूँगी तेल और दोनों साइड से पलट के अच्छे से दोनों साइड का सेक लूँगी। तेल लगाने से रोटी थोड़ा सॉफ्ट होता है तो इसीलिए मैं रोटी में तेल लगाती हूँ थोड़ा ब्रश से। और यहाँ पर मैंने गैस को मीडियम ही रखा है और मीडियम गैस पर ही मैं रोटी को सेकूँगी। तो रोटी सेक चुका है और प्लेट में मैं अभी रोटी को रख दूँगी और दूसरा रोटी तवे पे चढ़ा दूँगी। तो इसको भी दोनों साइड से थोड़ा सेक लूँगी और उसके बाद ब्रश से रोटी में दोनों साइड्स को तेल लगा दूँगी। तो अभी मैंने रोटी के एक साइड में अच्छे से तेल को लगा दिया है ब्रश से। तो अभी मैं रोटी को पलट के दूसरे साइड से भी ऐसे ही ब्रश से अच्छे से तेल लगा दूँगी और रोटी को दो तीन बार पलट के अच्छे से सेक लूँगी। तो अभी मैंने रोटी को दोनों साइड से पलट के अच्छे से सेक लिया है। तो अभी मैं रोटी को प्लेट में पहले रोटी के साथ ही रख दूँगी। तो बाकी रोटी दोनों को भी इनकी तरह सेक लूँगी। तो अभी मैंने यहाँ पर चारों रोटियों को सेक लिया है। तो अभी मैं यहाँ पे रोटी में लगाने के लिए मेयोनीज़ को रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं काजू का पेस्ट को मेयोनीज़ में डाल दूँगी और टमाटर का जो सॉस रह गया था उसको भी इसमें डाल दूँगी और अच्छे से इन तीनों को मिक्स कर लूँगी। काजू और आलमंड का पेस्ट को इसमें डालना एक ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसको डाल सकते हैं, नहीं चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो अभी मैंने इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और अभी मैं रोटी ले लूँगी और चारों रोटियों में मेयोनीज़ का पेस्ट को अच्छे से चम्मच के मदद से लगा दूँगी। तो अभी मैंने अच्छे से मेयोनीज़ के पेस्ट को रोटी में लगा दिया है। तो अभी मैं रोटी में जो मैंने खीरा और गाजर और गोभी का स्टफिंग बनाया था उसको मैं रोटी में दो चम्मच डाल दूँगी और रोटी को पलट के ऐसे घुमा के इसको एक टूथपिक की मदद से इसमें लगा दूँगी ताकि ये ना खुले। और उसके बाद मैं एक सिल्वर पेपर से इसको रैप कर दूँगी। तो मैंने सिल्वर पेपर से इसको अच्छे से अभी रैप कर दिया है। तो मैं अभी इसको एक टूथपिक से इसमें लगा के इसको रख दूँगी और अभी मैं दूसरा रोटी को भी ले लूँगी स्टफिंग भरने के लिए। तो अभी मैं मेयोनीज़ का एक चम्मच लेके इसको भी अच्छे से लगा दूँगी चारों तरफ रोटी का। तो अभी मैं रोटी में खीरा और गाजर का स्टफिंग में दो चम्मच इसमें भर दूँगी और इसको ऐसे ही रोटी को घुमा के एक सिल्वर पेपर का मदद से इसको रैप कर लूँगी। अगर आपके पास सिल्वर पेपर ना हो तो आप इसको बटर पेपर के साथ भी रैप कर सकते हैं। तो अभी मैंने सिल्वर पेपर से इसको अच्छे से रैप कर लिया है और अभी मैं इसमें एक टूथपिक को लगा दूँगी और पहले जो बना के रखा था शवारमा उसको इसके साथ रख लूँगी और बाकी दोनों रोटियों को भी इनकी तरह मैं ऐसे स्टफिंग भर के रेडी कर लूँगी।
तो लीजिए फ्रेंड, बनके रेडी हो गया आटे का बहुत ही ज़्यादा टेस्टी शवरमा की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को आज का मेरा रेसिपी अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि मेरे आने वाली सारी रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन टाइमली आप लोगों को मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, फिर से कोई नई रेसिपी का वीडियो लेके आऊँगी इंशाल्लाह। तो फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़ और दुआओं में याद रखिएगा।